हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जया पांडे और आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्रोज का फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप इसकी वर्ड मीनिंग को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आए। तो पढ़ने से पहले आइए हम इसके ऑथर और इस लेसन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक यानी कि विलियम सी डॉगलस के बारे में पढ़ते हैं। तो विलियम सी डॉगलस जो कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो 1950 में भारत घूमने के लिए आए थे। उनकी इसी यात्रा में उन्हें मौका मिला कि वो नई दिल्ली से रानीखेत की यात्रा करें। रानीखेत जो कि हिमालय के पास का एक पहाड़ी इलाका था। जो विलियम सी डॉगलस थे उन्हें मजदूर श्रेणी के लोग थे उनसे काफ़ी सहानुभूति थी और वो उन्हें काफ़ी पसंद भी करते थे। और उन्हें उस प्रकार के लोग काफ़ी पसंद थे जिनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान था। वो भारत की खूबसूरती को देखकर काफ़ी आकर्षित हो गए थे, या हम ये कह सकते हैं कि भारत की प्रकृति की खूबसूरती ने उन्हें अपने तरफ मोह लिया था। अ गर्ल विद अ बास्केट जो हमारा पाठ है वो इनके प्रसिद्ध निबंधों में से एक है। तो चलिए अब हम इस पाठ के बारे में ज़रा कुछ जान लेते हैं। तो ये जो पाठ है अ गर्ल विद अ बास्केट, उसे विलियम सी डॉगलस ने लिखा है। देश के बंटवारे के बाद 1950 में वो भारत आए थे और भारत में उस समय पाकिस्तान से आए हुए लोग यानी कि रेफ्यूजी भरे हुए थे। एक रेलवे स्टेशन पर विलियम सी डॉगलस को एक बहुत ही विचित्र अनुभव हुआ। वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि टोकरियाँ और पंखे बेच रहे थे। उन्हीं बच्चों में एक छोटी सी 9 वर्ष की लड़की थी जिस बच्ची से विलियम सी डॉगलस अत्यधिक प्रभावित हो गए। उन्हीं अनुभवों का जो परिणाम है वो ये पाठ है अ गर्ल विद अ बास्केट। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। I had left New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way stations. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. तो ये जो शुरुआती पैराग्राफ है इसमें विलियम सी डॉगलस कहते हैं I had left, I यानी कि मैं, had जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, left यानी छोड़ा, यानी कि मैंने छोड़ा New Delhi यानी कि नई दिल्ली फॉर द हिमालयाज, फॉर यानी कि के लिए, हिमालयाज यानी हिमालय। तो हमारे लेखक जो है वो कह रहे हैं कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैंने नई दिल्ली को छोड़ा फॉर द हिमालयाज, हिमालय के लिए, यानी कि मैंने हिमालय के लिए नई दिल्ली को छोड़ा। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, आई यानी कि मैं, वॉज यानी कि था, गोइंग यानी जा रहा, एज फार एज यानी फार यानी होता है दूर, एज जो दोनों लगे हुए हैं ये एक तुलना करने के लिए लगे हुए हैं, बरेली जो कि एक शहर है, बाय ट्रेन, बाय यानी द्वारा, ट्रेन यानी रेलगाड़ी। तो जो लेखक है वो कह रहे हैं कि आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था एज फार एज बरेली, बरेली जितना दूर, बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा यानी कि रेलगाड़ी के द्वारा, यानी कि मैं रेलगाड़ी के द्वारा बरेली जितना दूर जा रहा था, एंड और देन बाय कार, तब, देन यानी कि तब, बाय यानी द्वारा, कार यानी कि कार, कह रहे कि और तब कार के द्वारा टू रानीखेत, मैं रानीखेत जा रहा था।
एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, यहाँ पे रानीखेत की बात हो रही है, जो कि एन यानी कि एक, ओल्ड यानी कि पुराना, ब्रिटिश आर्मी यानी कि अंग्रेजी सेना, हिल स्टेशन यानी कि पहाड़ी इलाका। तो यहाँ पे रानीखेत की बात हो रही है, जो कि एक पुराना अंग्रेजी सेना का पहाड़ी इलाका था, यानी कि जो अंग्रेजी सेना का एक बहुत ही पुराना पहाड़ी क्षेत्र या इलाका था। लोकेटेड ऑन का मतलब है स्थित। 6,000 फुटरेज, 6,000 यानी कि 6,000, फुटरेज यानी कि ऊंची पहाड़ी की उठान। अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच, अपोजिट यानी कि विपरीत, यानी कि जो रानीखेत है वो विपरीत था। 120 माइल स्ट्रेच यानी कि 120 माइल यानी कि मील स्ट्रेच यानी फैले हुए। तो यहाँ पे जो है लेखक कह रहे हैं कि रानीखेत जो कि 120 मील फैले हुए 6,000 ऊंची पहाड़ी की उठान पर, ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयस, स्नो कैप्ड यानी कि बर्फ से ढके हुए हिमालयस यानी कि हिमालय के विपरीत था। यानी कि जो रानीखेत था वो एक पुराना ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजी सेना का पहाड़ी इलाका था, जो कि स्थित था 6,000 फीट पहाड़ी की उठान, यानी कि ऊंचे पहाड़ी की उठान, जो कि 120 मील फैला हुआ है, जो कि बर्फ से ढके हुए हिमालय के विपरीत है। तो उसी के पास में ये जो पहाड़ी इलाका है रानीखेत वो था। तो ये जो लाइन है इसमें जो लेखक है वो कह रहे हैं कि आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, यानी कि मैं बरेली जितना दूर जा रहा था बाई ट्रेन, यानी कि ट्रेन से, एंड देन बाई कार, और तब कार से जा रहा था टू रानीखेत, रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो कि एक पुराना अंग्रेजों की आर्मी का यानी कि अंग्रेजों की सेना का पहाड़ी इलाका था। लोकेटेड ऑन अ 6,000 फुट रिज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयस, जो कि बर्फ से ढके हुए हिमालय के सामने यानी कि विपरीत 120 मील फैले हुए और 6,000 फीट ऊंची पहाड़ी के इस ऊंची पहाड़ी के उठान पर, यानी कि ऊंची पहाड़ी के पास स्थित था। द ट्रेन यानी कि जो ट्रेन थी वॉज यानी कि थी, स्लो यानी कि धीमी, यानी कि जो ट्रेन थी वो बहुत धीमी थी। एंड और इट स्टॉप्ड, इट यानी कि वह स्टॉप्ड यानी कि रुकना, यानी कि और वह रुक रही थी। एट ऑल द वे स्टेशंस, एट यानी पर, ऑल यानी कि सभी, द वे स्टेशंस, वे यानी कि रास्ते, स्टेशन यानी कि स्टेशन। तो जो लेखक है वो कह रहे हैं कि द ट्रेन वॉज स्लो, जो ट्रेन थी वो बहुत धीमी गति की थी। एंड और इट स्टॉप्ड, वह रुक रही थी एट ऑल द वे स्टेशन, यानी कि रास्ते के सभी स्टेशनों पर, यानी कि ट्रेन बहुत धीमी गति की थी और वो रास्ते में जितने भी स्टेशन थे सब पे रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप, एट यानी पर, एवरी यानी सभी, स्टॉप यानी कि रुकावट, यानी कि सभी रुकावट या सभी स्टेशंस पर, आई स्वंग, आई यानी कि मैं, स्वंग यानी कि लटकना, यानी कि मैं लटक रहा था, ओपन और खोल रहा था, यानी कि मैं लटक कर खोल रहा था द डोर, डोर यानी कि दरवाजा, यानी कि मैं दरवाजे को लटक कर खोल रहा था। ऑफ माई कंपार्टमेंट, माई यानी कि मेरा, कंपार्टमेंट यानी कि डब्बा, यानी कि जो लेखक है वो कह रहे हैं कि आई स्वंग ओपन, यानी कि मैं लटक कर खोल रहा था द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मेरे डब्बे का दरवाजा, यानी कि जिस ट्रेन के डब्बे में वो थे
वह उस डब्बे के दरवाजे को लटक कर खोल रहे थे एंड और वॉक्ड चल रहा था द प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पर, यानी कि वह अपने डब्बे के दरवाजे को लटक कर खोल रहे थे और प्लेटफॉर्म पर चल रहे थे। तो चलिए इसे एक बार और पढ़ लेते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयस, यानी कि मैंने नई दिल्ली को हिमालय के लिए छोड़ा। I was going as far as बरेली by train, यानी कि मैं बरेली जितना दूर जा रहा था ट्रेन के द्वारा। And और then by car to रानीखेत, और फिर और तब कार से रानीखेत जा रहा था। रानीखेत जो कि an old British army hill station, जो कि एक पुराना अंग्रेजों की सेना का पहाड़ी इलाका था। लोकेटेड ऑन अ 6,000 foot रीज अपोजिट अ 120 mile स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, जो कि बर्फ से ढके हुए हिमालय के विपरीत 120 मील वाले यानी कि 120 मील फैले हुए 6,000 फीट ऊंची पहाड़ी की उठान के पास में स्थित था। यानी कि ये जो रानी खेत की बात हो रही है, ये जो रानी खेत था पहाड़ी इलाका, वो हिमालय के विपरीत 120 मील फैले हुए 6,000 फीट ऊंची पहाड़ी की श्रृंखला के पास था। द ट्रेन वॉज स्लो, जो ट्रेन थी वह बहुत धीमी गति की थी, बहुत धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड, और वह रुक रही थी एट ऑल द वे स्टेशन, रास्ते के सभी स्टेशनों पर। एट एवरी स्टॉप, यानी कि हर रुकावट पे, हर स्टॉप पे, हर प्लेटफॉर्म पे, आई स्वंग ओपन द डोर, मैं लटक कर दरवाजे को खोल रहा था ऑफ माई कंपार्टमेंट, मेरे डब्बे के। यानी कि हर एक स्टेशन पे मैं अपने डब्बे के दरवाजे को खोल रहा था। एंड और वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर चल रहा था। तो ये जो पैराग्राफ है, इसमें जो विलियम सी डॉगलेस है वो हमें बता रहे हैं कि उन्होंने हिमालय के लिए दिल्ली को, नई दिल्ली को छोड़ दिया। वो बरेली जा रहे थे ट्रेन से, और फिर उसके बाद वह रानीखेत जा रहे थे कार से। रानीखेत जो कि एक पुराना अंग्रेजों के सेना का पहाड़ी इलाका था, जो कि बर्फ से ढके हुए हिमालय के विपरीत 120 मील फैले हुए 6,000 फीट ऊंची पहाड़ी के उठान के पास में था। जो उनकी ट्रेन थी वो एक पैसेंजर ट्रेन थी, इस कारण वो बहुत ही धीमी गति से चल रही थी। और क्योंकि वो एक पैसेंजर ट्रेन थी, इसी वजह से वो रास्ते के जितने भी स्टेशन थे उन सभी स्टेशनों पर रुक रही थी। और सभी स्टेशनों पर जो लेखक है वो अपने डब्बे के दरवाजे को खोलकर बाहर निकल रहे थे और प्लेटफॉर्म पर चल रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, The platforms were packed with people, six Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, potters, beggars, hawkers. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. I would ask at least three people before I could find one who spoke English. We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. तो ये जो पैराग्राफ है, इसमें जो लेखक है वो कह रहे हैं कि the platforms were packed.
प्लेटफॉर्म यानी कि स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म होता है वो, वर्ब जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, पैक्ड यानी भरा हुआ, यानी कि जो प्लेटफॉर्म है वो भरा हुआ था विथ पीपल, विथ यानी साथ, पीपल यानी लोग। तो जो लेखक है वो कह रहे कि द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, जो प्लेटफॉर्म थे वो भरे थे विथ पीपल, लोगों के साथ, यानी कि लोगों से जो प्लेटफॉर्म थे वो पूरे तरीके से भरे हुए थे। और वो लोग कैसे थे? सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स यानी कि सिपाही, मर्चेंट्स यानी कि सौदागर, प्रिंट्स यानी कि पुजारी, पॉटर्स यानी कि कूली, बेगर्स यानी कि भिखारी, हॉकर्स यानी कि फेरी वाले। यानी कि जो प्लेटफॉर्म था वो पूरे तरीके से यानी कि अच्छे से लोगों से भरा हुआ था, वो लोग थे सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, सौदागर, पुजारी, कूली, भिखारी और फेरी वाले, यानी कि इन सब से प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट, ऑलमोस्ट यानी लगभग, एवरी वन यानी कि सब, वॉज जो एक हेल्पिंग वर्ब है, बेयर फुट यानी नंगे पाँव। तो लेखक जो है वो बता रहे हैं कि जो स्टेशन पे जितने भी लोग थे उसमें लगभग सभी लोग नंगे पाँव थे एंड और ड्रेस्ड यानी कि पहने हुए थे इन लूज वाइट गारमेंट्स। लूज यानी कि ढीले, वाइट यानी सफेद, गारमेंट्स यानी कि कपड़े। तो ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट यानी कि लगभग सभी लोग नंगे पाँव थे एंड और ड्रेस्ड इन यानी कि पहने हुए थे लूज वाइट गारमेंट्स, ढीले ढाले सफेद रंग के कपड़े। यानी कि उस स्टेशन पर लगभग सभी लोग नंगे पाँव थे और उन्होंने सफेद रंग के ढीले ढाले कपड़े पहने थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट थ्री पीपल, आई यानी कि मैं, वुड एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है, आस्क यानी कि पूछना, यानी कि मैंने पूछा एट लीस्ट यानी कम से कम थ्री पीपल, थ्री यानी तीन, पीपल यानी लोगों को। तो लेखक जो है वो बता रहे हैं कि आई वुड आस्क, मैंने पूछा एट लीस्ट थ्री पीपल, कम से कम तीन लोगों को, यानी कि उन्होंने कम से कम तीन लोगों को पूछा। बिफोर यानी कि इससे पहले, आई कुड फाइंड, आई यानी कि मैं, कुड यानी ये एक हेल्पिंग वर्ब है, फाइंड यानी कि ढूंढना। तो जो लेखक है वो कह रहे कि आई वुड आस्क एट लीस्ट थ्री पीपल, यानी कि मैंने कम से कम तीन लोगों से पूछा। बिफोर इससे पहले कि आई कुड फाइंड, मैं ढूंढ सकूं या खोज सकूं वन किसी एक व्यक्ति को, हु यानी कि जो, स्पोक यानी कि बोलना इंग्लिश यानी अंग्रेजी। तो जो लेखक है वो कह रहे हैं कि आई वुड आस्क एट लीस्ट थ्री पीपल, मैंने कम से कम तीन लोगों से पूछा। बिफोर इससे पहले कि आई कुड फाइंड, मैं ढूंढ सकूं वन एक व्यक्ति को, हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी में बातें कर सके। यानी कि उन्होंने कम से कम तीन लोगों से पूछा होगा इससे पहले कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कि उनसे अंग्रेजी में बातें कर सके। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक। वी यानी कि हम, वुड जो एक हेल्पिंग वर्ब है, टॉक यानी बात करना, वर्ल्ड अफेयर्स यानी कि संसार के मामलों के बारे में, एंड और एवरी मेजर टॉपिक, एवरी यानी कि सब, मेजर यानी कि मुख्य, टॉपिक यानी कि बिंदु। तो जो लेखक है वो कह रहे हैं कि वी वुड टॉक, तो अभी उन्होंने पिछले लाइन में बताया कि मैंने लगभग तीन लोगों से पूछा इससे पहले कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कि अंग्रेजी में बातें कर सके। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वी वुड टॉक, जिससे कि हम बात कर सकें,
वर्ल्ड अफेयर्स दुनिया के मामलों के बारे में एंड और एवरी मेजर टॉपिक हर एक मुख्य बिंदु के बारे में. द न्यूज़ न्यूज़ यानी कि समाचार. ऑफ द डे ऑफ जो है एक क्या बोलते हैं संबंध दर्शाने वाला शब्द है जो कि का की के लिए उपयोग होता है. डे यानी कि दिन. प्रोड्यूस्ड यानी कि उत्पन्न यानी कि द न्यूज़ यानी जो समाचार है ऑफ द डे उस दिन का प्रोड्यूस जो भी उत्पन्न हुआ है. तो यानी कि उस दिन का जो भी समाचार उत्पन्न हुआ है उसके बारे में भी हम बातें कर सके. यानी कि वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो अंग्रेजी में बात कर सके ताकि वो उससे बात कर सके दुनिया के जो मामले हैं उनके बारे में जो मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में और उस दिन जो भी न्यूज़ या फिर जो भी समाचार उत्पन्न हुआ है उसके बारे में वो बातें कर सके. इन दिस वे का मतलब होता है इस तरीके से. आई वॉज ट्राइंग टू गेट. आई यानी कि मैं. वॉज जो एक हेल्पिंग वर्ब है. ट्राइंग यानी कोशिश करना यानी कि मैं कोशिश कर रहा था टू गेट पाने के लिए. गेट यानी पाना. अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन. अ फील यानी कि एक अनुभव एक महसूस करना. ऑफ जो का के लिए प्रयोग होता है. द पल्स पल्स यानी कि नस. ऑफ द नेशन नेशन यानी कि राष्ट्र. तो वो इस लाइन में बता रहे कि इन दिस वे यानी कि इस तरीके से. आई वॉज ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा था टू गेट पाने के लिए. अ फील एक अनुभव यानी कि इस तरीके से मैं एक अनुभव पाने के लिए कोशिश कर रहा था. ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्र की नसों का. यानी कि वो कह रहे हैं इस तरीके से मैं राष्ट्र की नसों का अनुभव पाने के लिए प्रयत्न कर रहा था या कोशिश कर रहा था. यानी कि वो जो बता रहे कि मैं सबसे बातें करना चाहता था समाचार जानना चाहता था और दुनिया में क्या हो रहा है वो जानना चाहता था. इस तरीके से वो इस देश की नसों को महसूस करना चाहते थे या फिर उनका एक अनुभव पाना चाहते थे. चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स. चेकिंग यानी जांच रहा. ओपिनियंस यानी कि विचार. अगेंस्ट यानी कि विरोध में. यानी कि जो भी विचार थे विरोध में किसके विरोध में हम आगे देखते हैं. ऑफिशियल एटीट्यूड्स. ऑफिशियल यानी कि सरकारी. एटीट्यूड्स यानी कि व्यवहार एंड और रिपोर्ट्स यानी कि सूचनाएं. यानी कि जो भी सरकारी व्यवहार और सूचनाएं थीं उनके विपरीत लोगों के क्या विचार है वो जो हमारे लेखक है वो जांचना चाहते थे. तो इस लाइन में वो कह रहे हैं कि इन दिस वे यानी इस तरीके से. आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन यानी कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं राष्ट्र के नसों को महसूस कर सकूं. चेकिंग ओपिनियंस और विचारों को जांच सकूं. अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स यानी कि सरकारी व्यवहार और सूचनाओं के विरुद्ध. तो चलिए हम इस पैराग्राफ को एक बार और पढ़ लेते हैं. द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड यानी कि जो प्लेटफॉर्म था वो पूरी तरीके से भरा हुआ था विथ पीपल लोगों के साथ. और वो लोग थे सिख मुस्लिम हिंदू. सोल्जर्स यानी कि सिपाही. मर्चेंट्स यानी सौदागर. प्रिस्ट यानी पुजारी. पोर्टर्स यानी कूली. बेगर्स यानी भिखारी. हॉकर्स यानी फेरी वाले. यानी कि इन सभी प्रकार के लोगों से जो स्टेशन जो प्लेटफॉर्म था वो भरा हुआ था. ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट लगभग सभी लोग नंगे पांव थे. एंड और ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स और सफ़ेद रंग के ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे.
I would ask at least three people, यानी कि मैंने कम से कम तीन लोगों से पूछा, before I could find, इससे पहले कि मैं ढूंढ सकूं, one who spoke English, एक ऐसे व्यक्ति को जो अंग्रेजी में बातें कर सके. We would talk world affairs, जिससे कि हम बातें कर सके दुनिया के मामलों के बारे में, and every major topic, और हर एक मुख्य बिंदु के बारे में. The news of the day produced, और उस दिन उत्पन्न हुए समाचार के बारे में. In this way, इस तरीके से I was trying to get a feel of the pulse of the nation, यानी कि मैं कोशिश कर रहा था राष्ट्र के नसों को महसूस करने के लिए. Checking opinions, और विचारों को जांच रहा था against official attitudes and reports, यानी कि सरकारी व्यवहार और सूचनाओं के विरुद्ध. तो ये जो पैराग्राफ है, इसमें जो लेखक है वो स्टेशन का हाल बताते हुए कहते हैं कि जो प्लेटफॉर्म था वो पूरे तरीके से सिख मुस्लिम हिंदू सिपाही सौदागर पुजारी कूली भिखारी और फेरी वालों से भरा हुआ था. लगभग सभी लोग नंगे पांव थे और सफ़ेद रंग के ढीले डाले कपड़े पहने हुए थे. मैंने लगभग तीन लोगों से पूछा इससे पहले कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो अंग्रेजी में बातें कर सकता हो, जिससे कि मैं बातें कर सकूं दुनिया के मामलों के बारे में और सभी मुख्य बिंदुओं के बारे में, और उस दिन जो समाचार उत्पन्न हुआ था उस समाचार के बारे में. और इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं राष्ट्र की नसों को महसूस कर सकूं और लोगों के विचारों को जान सकूं सरकारी सूचनाओं और सरकारी व्यवहार के प्रति, यानी कि सरकारी सूचनाओं और सरकारी व्यवहार के प्रति लोगों के क्या विचार हैं उसे वो जांचना चाहते थे. तो चलिए अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं. द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज. दिस वॉज द plain of the upper Ganga river, 1,000 feet above sea level but tropical. The Ganga was brown silt, swollen with flood waters, its overflow inundating thousands of acres of rice. To the north were jungles, great expanses of grass, higher than a man's head and unbroken as except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons, and cobras. Everywhere else there was a flat land running to the horizon, but dotted here and there by the sacred banyan tree or by rows of pucker trees, shaped like elms and having thick twisted trunks. Hot humid air was moving in from the southwest. Monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, swung off trees at the station, looking for food. The villages we passed had walls made of mud mixed with water and cow dung. Their peaked roofs were thatched bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters. That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over drab walls. The route, route yani ki rasta. ले थ्रू का मतलब हम कह सकते हैं गुजरना या पढ़ना. तो जो लेखक है वो बता रहे कि जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो किस तरफ से गुजर रहा था. तो वही वो कहते कि द रूट ले थ्रू, यानी कि जो मेरा रास्ता था वो गुजर रहा था वन ऑफ द, यानी कि में से एक रिचेस्ट यानी कि समृद्ध में से एक ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज. इंडियाज यानी भारत का, एग्रीकल्चरल यानी कि कृषि, एरियाज यानी कि क्षेत्र. तो इस लाइन में जो लेखक है वो बता रहे कि द रूट ले, यानी कि जो मेरा रास्ता था वो गुजर रहा था,
थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर, यानी कि भारत के कृषि के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक क्षेत्र से उनका रास्ता गुजर रहा था, यानी कि वो उस रास्ते से गुजर रहे थे जहाँ पे सबसे अच्छी कृषि थी, यानी कि वो जो क्षेत्र था वो भारत के समृद्ध कृषि क्षेत्रों में से एक था। दिस यानी यह, वॉज यानी था, द प्लेन, प्लेन यानी कि समतल भूमि। तो वो उस रास्ते के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो जो रास्ता था वो एक समतल भूमि थी, ऑफ द अपर गंगा रिवर। ऑफ यानी जो का के की के लिए प्रयोग होता है, अपर गंगा रिवर, अपर यानी ऊपरी, गंगा जो एक नदी है, रिवर यानी नदी। तो वो बता रहे कि दिस वॉज द प्लेन, यानी कि यह समतल भूमि थी, ऑफ द अपर गंगा रिवर यानी कि गंगा नदी के ऊपरी हिस्से की। तो वो बता रहे कि जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे वो गंगा नदी के ऊपरी हिस्से की एक समतल भूमि थी। 1000 feet यानी कि 1000 feet अबव यानी ऊपर, यानी कि वो जो रास्ता था वो 1000 feet ऊपर था सी लेवल, सी यानी समुद्र लेवल यानी स्तर, यानी कि वो जो रास्ता था वो समुद्री स्तर से 1000 feet ऊंचाई पर था या ऊपर था। बट यानी कि लेकिन, ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय। तो वो बता रहे कि वो जो रास्ता था वो समुद्री स्तर से 1000 feet ऊपर था लेकिन उष्णकटिबंधीय था। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है कि वो जगह जहाँ पर लंबे समय तक गर्मी रहती है या लंबे समय तक बरसात पड़ती रहती है। तो वो बता रहे थे कि दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, यानी कि वो जो रास्ता था वो गंगा नदी के ऊपरी हिस्से का एक समतल जगह था और 1000 feet अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, और 1000 feet ऊपर था समुद्री स्तर से लेकिन उष्णकटिबंधीय था। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, यानी कि जो गंगा नदी थी उस वक्त, ब्राउन सिल्ट, ब्राउन यानी भूरा, सिल्ट यानी रेत, यानी कि जो लेखक है वो बता रहे कि जो गंगा नदी थी वो भूरी हो चुकी थी रेत के कारण, यानी कि उसमें रेत भर चुका था जिसके कारण से जो उनका रंग है वो, गंगा नदी का जो पानी का रंग है वो भूरा भूरा लग रहा था। तो वही जो लेखक है हमारे वो बता रहे कि जो गंगा नदी थी वो भूरी हो चुकी थी रेत से। स्वॉलन, स्वॉलन का मतलब होता है उफनना, यानी कि उछाल आना पानी में या भर जाना, अत्यधिक भर जाना। विथ यानी कि से या साथ, फ्लूड वाटर, फ्लूड यानी बाढ़, वाटर यानी पानी। तो वो बता रहे हैं कि बाढ़ के पानी के कारण जो गंगा नदी थी उनमें बहुत ज़्यादा उफान आ चुका था। इट्स ओवरफ्लो, इट्स यानी उसका, ओवरफ्लो यानी कि बहाव, इन्यूनडेटिंग यानी कि घेरते हुए, ढकते हुए। तो जो लेखक है वो कह रहे कि इट्स ओवरफ्लो इन्यूनडेटिंग, यानी कि जो गंगा नदी का बहाव था वो ढक रहा था थाउजेंड ऑफ एकर्स, थाउजेंड यानी हज़ार, ऑफ जो कि एक का केकी के लिए प्रयोग होता है, एकर्स यानी कि एकड़। तो वो बता रहे कि इट्स ओवरफ्लो इन्यूनडेटिंग, यानी कि उनका जो बहाव था वो ढक रहा था थाउजेंड ऑफ एकर्स, यानी कि हज़ारों एकड़ ज़मीनों को, ऑफ यानी का के की, राइस यानी कि चावल। तो इस लाइन में जो लेखक है वो बता रहे हैं कि गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, यानी कि जो गंगा नदी थी वो रेत के कारण भूरी हो गई थी, स्वॉलन विथ फ्लूड वाटर, और उफन रही थी बाढ़ के पानी की वजह से। इट्स ओवरफ्लो यानी कि जो उसका बहाव था इन्यूनडेटिंग, ढक रहा था थाउजेंड ऑफ एकर्स, हजार एकड़ जमीनों को, ऑफ राइस यानी कि चावल। तो इस जो ये जो लाइन है इसमें जो लेखक है वो बता रहे हैं कि जो गंगा नदी है वो रेत के कारण भूरी पड़ गई थी और उनका जो मतलब पानी है वो उफन रहा था क्योंकि उसमें बाढ़ का पानी भर गया था, और वो जो उनका उस पानी का जो बहाव है
वो हजार एकड़ चावल के खेतों को ढक रहा था। टू द नॉर्थ, नॉर्थ यानी उत्तर, यानी कि उत्तर के तरफ वर जंगल्स, वर यानी थे जंगल, यानी कि जंगल। तो इसमें जो लेखक है वो कह रहे हैं कि टू द नॉर्थ वर जंगल्स, यानी कि उत्तर के तरफ जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, ग्रेट यानी कि महान, एक्सपेंसेस यानी कि विस्तार, ऑफ ग्रास, ग्रास यानी कि घास। तो बात बता रहे कि उत्तर के तरफ जो जंगल थे वहां पर बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़े विस्तृत घास थे। हायर देन अ मैंस हेड, हायर यानी कि ऊंचे, देन जो कि तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है, अ मैंस, मैंस यानी कि आदमी, हेड यानी सिर, यानी कि आदमी का सिर। तो बता रहे कि उस जंगल में एक बहुत ही विशाल विस्तृत घास थे, हायर देन, जो कि ऊंचे थे अ मैंस हेड, किसी व्यक्ति, किसी आदमी के सिर से भी ज्यादा। तो इस लाइन में जो लेखक है वो कह रहे कि टू द नॉर्थ वर जंगल्स, यानी कि उत्तर के तरफ जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, जो कि विशाल और विस्तृत घास से भरे हुए थे। हायर देन अ मैंस हेड, वो घास जो कि किसी आदमी के सिर से भी ऊंचे थे। एंड यानी कि और, अनब्रोकन यानी लगातार। तो वो जो घास है जो कि आदमी के सिर से भी ऊंचे, उनके बारे में बात हो रही कि वो लगातार है, यानी कि हर जगह है। एक्सेप्ट यानी कि छोड़कर, फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, ओकेजनल यानी कि कहीं कहीं, क्लम यानी समूह, ऑफ ट्री यानी कि पेड़ों के। तो जो लेखक है वो बता रहे कि वो जो घास है वो हर जगह है, एंड अनब्रोकन यानी कि वो लगातार है हर जगह, एक्सेप्ट सिर्फ एक जगह को छोड़कर, और वो एक जगह है एन ओकेजनल क्लम ऑफ ट्री, यानी कि जो छोटे छोटे समूह है कहीं कहीं पेड़ों के, उस जगह को छोड़कर हर जगह जो घास है वो उगी हुई है। तो ये जो लाइन है इसमें जो लेखक है वो कह रहे हैं कि टू द नॉर्थ वर जंगल्स, यानी कि उत्तर की तरफ जंगल है। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, यानी कि वहाँ पे विशाल और विस्तृत घास उगे हुए हैं। ग्रेटर देन अ मैंस हेड, यानी कि वो एक इंसान के, एक मनुष्य के सिर से भी ऊंचे हैं। एंड अनब्रोकन और लगातार है, यानी कि हर जगह है। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, बस उन छोटे छोटे पेड़ों के समूहों को जो कि कहीं कहीं पे है, उनको छोड़कर घास हर जगह पर है। द होम, जो कि घर है, और मतलब होम यानी कि घर, यानी कि वो जो घास वाली जगह है, वो जो जंगल है, वो एक घर है। ऑफ टाइगर्स यानी कि चीतों के, एलिफेंट्स यानी कि हाथियों के, पाइथन्स यानी अजगर, एंड कोबराज, एंड यानी और, कोबराज यानी कि नाग। तो जो लेखक है वो बता रहे कि वो जो जंगल है वो बहुत सारे जानवरों का घर है, जैसे कि चीतों का, हाथियों का, अजगरों का और नागों का। इन सभी तरह के जानवरों का घर जंगल है। एवरीवेयर एल्स, एवरीवेयर यानी हर जगह, एल्स यानी इसके अलावा, यानी कि इसके अलावा हर जगह। देयर वॉज, देयर यानी वहां, वॉज यानी कि था, फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड यानी सपाट जमीन। तो जो लेखक है वो बता रहे कि एवरीवेयर एल्स, यानी कि इसके अलावा हर जगह, देयर वॉज फ्लैट लैंड, वहां पर सपाट जमीनें थी। रनिंग यानी कि फैली हुई, टू द हॉरिजन, हॉरिजन यानी कि क्षैतिज रूप से फैली हुई। तो वो बता रहे कि उस जंगल के अलावा हर जगह, यानी कि इसके अलावा हर जगह, वहां पर सपाट जमीनें थी जो कि क्षैतिज रूप से फैली हुई थी। बट डॉटेड, बट यानी लेकिन, डॉटेड हेयर एंड देयर, डॉटेड हेयर एंड देयर का मतलब होता है कि बिंदुओं के भांति इधर उधर फैली
फैले हुए या इधर उधर बिखरे हुए। बाय द स्कैरेट बनियान ट्री, स्कैरेट यानी कि पवित्र, बनियान यानी कि बरगद ट्री यानी कि पेड़। तो वो बता रहे कि वहाँ पे पूरी जगह पर क्षैतिज जमीन थी जो कि सपाट थी, लेकिन डॉटेड एयर एंड देयर यानी कि बिंदुओं के भांति इधर उधर बिखरी हुई थी बाय द स्कैरेट बनियान ट्री। और उस बिंदुओं में क्या थे, पवित्र बरगद के पेड़ थे, यानी कि जो बरगद के पेड़ थे वो बिंदुओं के भांति उन सपाट जमीनों पर इधर उधर फैले हुए थे। और या बाय रोज ऑफ पाकर ट्री, रोज यानी होता है श्रृंखला, ऑफ पाकर ट्री, पाकर जो एक पेड़ होता है, ट्री यानी कि पेड़। तो बता रहे कि वहाँ पर इधर उधर बिंदुओं के भांति बरगद के पेड़ फैले हुए थे और एक पूरी श्रृंखलाएं थी, कई सारी श्रृंखलाएं थी पाकर ट्री यानी कि पाकर के पेड़ों की, शेप्ड लाइक एल्म, शेप्ड यानी आकार, यानी कि उनका जो आकार था, लाइक यानी जैसे एल्म यानी एक प्रकार का पेड़। तो बता रहे कि उनका जो आकार था वो एल्म जो एक प्रकार का पेड़ होता है उसकी तरह था। एंड यानी और, हैविंग यानी उनके पास था थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, थिक यानी कि मोटे, ट्विस्टेड यानी मुड़े हुए ट्रंक यानी कि शाखाएं। तो वो जो पेड़ थे वो बता रहे कि उनके पास मोटी मुड़ी हुई शाखाएं थी। तो ये जो लाइन है इसमें जो लेखक है वो बता रहे हैं कि एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू हॉरिजन, यानी कि उसके अलावा हर जगह वहाँ पर सपाट ज़मीनें थी जो कि क्षैतिज रूप से फैली हुई थी, बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय स्कैरेट स्कैरेट बनियान ट्रीज, लेकिन कहीं कहीं बिंदुओं के भांति बरगद के पेड़ वहाँ पे फैले हुए थे। और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज या फिर पाकर के पेड़ों की एक पूरी श्रृंखलाएं थी, शेप्ड लाइक एल्म जिनका आकार एल्म के पेड़ की तरह था, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक और उनके पास मोटी मुड़ी हुई शाखाएं थी, यानी कि उनकी जो शाखाएं थी पेड़ों की बहुत मोटी थी और मुड़ी हुई थी। हॉट ह्यूमिड एयर, हॉट यानी कि गर्म, ह्यूमिड यानी कि नमी से भरा हुआ, एयर यानी हवा। तो कह रहे कि हॉट ह्यूमिड एयर यानी कि गर्म नमी से भरा हुआ हवा, वॉज यानी कि था, मूविंग यानी चल रहा, यानी कि गर्म नमी से भरी हुई हवा चल रही थी, इन फ्रॉम यानी कि से द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का मतलब होता है दक्षिण पश्चिमी, यानी कि दक्षिण पश्चिम के तरफ से गर्म नमी से भरी हुई हवा चल रही थी। मंकीज यानी कि बंदर, सम ऑफ देम यानी कि उनमें से कुछ, मदर्स विद बेबीज, मदर यानी कि माता, विथ यानी कि साथ, बेबीज यानी बच्चे। तो जो लेखक है वो बता रहे कि मंकीज यानी कि वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे, सम ऑफ देम यानी कि उनमें से कुछ थे माताएं विथ बेबीज यानी कि अपने बच्चों के साथ क्लिंगिंग, चिपके हुए, टू देम, टू देम यानी कि उनमें। तो वो बता रहे कि वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे जिनमें से कुछ माताएं थीं जिनके साथ उनके बच्चे चिपके हुए थे उनसे, यानी कि हम कई बार देखते हैं कि बंदर जो है वो आगे की तरफ अपने बच्चों को लटका के घूमते हैं। तो वही यहाँ पे बात हो रही कि वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे, सम ऑफ देम यानी कि उनमें से कुछ, मदर्स विद बेबीज यानी कि उनमें से कुछ जो माताएं थी वो अपने बच्चों के साथ थी, क्लिंगिंग टू देम उनसे चिपकी हुई। एंड यानी कि और, राइडिंग यानी सवारी कर रहे थे अंडरनीथ यानी नीचे, यानी कि जो बच्चे थे छोटे छोटे जो बंदरों के, वो नीचे अपनी माँ से लटक कर, ठीक है, वो सवारी कर रहे थे उनकी, यानी कि वो उन्हीं से लटक के हर जगह पर जा रहे थे। तो ये जो लाइन है इसमें जो लेखक है वो बता रहे कि वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे जिनमें से कुछ माताएं थी जो अपने बच्चों से चिपकी हुई थी, और बच्चे जो थे उनसे चिपके हुए थे जो कि नीचे सवारी कर रहे थे। स्वंग ऑफ,
स्वंग ऑफ का मतलब होता है कूदना, यानी कि वो कूद रही थी ट्रीज यानी कि पेड़ों पर एट द स्टेशन, यानी कि जो स्टेशन यानी कि वो जो स्टेशन है वो, यानी कि स्वंग ऑफ ट्रीज यानी कि जो पेड़ों पर वो लटक रही थी एट द स्टेशन, जो पेड़ स्टेशन पर थे उन पर. लुकिंग फॉर फूड, लुकिंग फॉर यानी कि ढूंढना, फूड यानी भोजन, यानी कि वो भोजन ढूंढ रही थी. तो जो लेखक है वो बता रहे कि जो बंदर थे वहाँ पे, वो पेड़ों से जो स्टेशन पे पेड़ थे उन पे लटक रहे थे और भोजन ढूंढ रहे थे. द विलेजेस, विलेजेस यानी गांव, वी यानी हम, पास यानी गुजरे, यानी कि जिन गांवों से हम गुजरे थे, हैड वॉल्स, हैड यानी थे, वॉल्स यानी कि दीवारें, यानी जिन गांवों से हम गुजरे थे उनमें जो दीवारें थी मेड ऑफ वुड मड, मेड यानी बनी हुई, ऑफ मड यानी कि मिट्टी से. तो जो लेखक है वो बता रहे कि द विलेजेस वी पास यानी कि जिस गांव से हम गुजरे थे हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, वहाँ की जो दीवार थी वो मिट्टी से बनी हुई थी. मिक्स्ड विथ वाटर, मिक्स्ड यानी मिली हुई, विथ यानी साथ, वाटर यानी पानी. तो बता रहे हैं कि जो गाँव की से हम गुजर रहे थे उनकी जो दीवारें थीं वो मिट्टी से बनी हुई थी, मिक्स्ड विथ वाटर यानी कि उनमें पानी मिला हुआ था, एंड और काउ डंक यानी कि गाय का गोबर. यानी कि जिस गांव से वो गुजर रहे थे उस गांव के घरों में जो दीवार थी वो मिट्टी से बनी हुई थी जिसमें पानी और गाय का गोबर मिला हुआ था. तो ये जो लाइन है इसमें जो लेखक है वो कह रहे हैं कि द विलेजेस वी पास, ये जिस गांव से हम गुजर रहे थे हैड वॉल्स, उसमें जो दीवारें थी मेड ऑफ मड जो मिट्टी से बनी थी, मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउडंक जिनमें पानी और गाय के गोबर मिले हुए थे. डियर पीक्ड, डियर यानी उनके, तो ये जो डियर है वो उन घरों के लिए प्रयोग किया गया जो कि लेखक ने रास्ते में देखे थे. बता रहे कि देयर पीक्ड रूफ, देयर यानी उनके, पीक्ड यानी नुकीले, रूफ यानी कि छतें. तो बता रहे कि उन घरों की जो नुकीली छतें थीं वर थैच्ड, वर यानी थी, थैच्ड यानी कि छप्पर से ढका होना. तो बता रहे कि उन घरों की जो नुकीली छतें थीं वो छप्पर से ढकी हुई थीं. बंडल्स ऑफ ग्रासेस, बंडल्स ऑफ ग्रासेस का मतलब होता है कि घास का बंडल. टाइड यानी कि बंधा हुआ. टू बैम्बू पोल्स, बैम्बू पोल्स यानी कि बांस की छोटी छोटी बल्लियाँ. तो जो लेखक है वो जो उन घरों के छत थे उनकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि देयर पीक्ड रूफ वर थैच, यानी कि उनकी जो नुकीली छतें थीं वो छप्पर से ढकी हुई थी. बंडल्स ऑफ ग्रासेस टाइड टू बैम्बू पोल्स, और कई सारे बंडल घास के बांस की बल्लियों के द्वारा उनसे बंधे हुए थे. स्ट्रेच्ड जो कि स्ट्रेच मतलब होता है फैला होना, यानी कि वो फैले थे अक्रॉस द राफ्टर. राफ्टर का मतलब होता है लकड़ी के सोटे, यानी कि जिस प्रकार से हम गांव में देखते हैं कि झोपड़ियां वगैरह बनती हैं तो वो छोटे छोटे लकड़ी के फट्टे या सोटे लगाकर उस पे जो सूखी घास है वो बिछाई जाती है, इसी प्रकार से वहां की छतें बनती हैं. तो वही उन्होंने देखा और वही उन्होंने कहा कि देयर पीक्ड रूफ्स, यानी कि उनकी जो नुकीली छतें थी वर थैच्ड, वो जो थी छप्पर से ढकी हुई थी. बंडल्स ऑफ ग्रासेस यानी कि कई बंडल घास टाइड टू बैम्बू पोल्स, व बांस के बल्लियों से बंधे थे. स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर जो कि उन पूरे छतों पर या उन पूरे लकड़ी के सोटे पर फैलाई गई थी. दैट डे, दैट का मतलब यहाँ पर होगा उस डे यानी कि दिन, यानी कि उस दिन द पम्पकिन वाइन्स, पम्पकिन यानी कद्दू, वाइन्स यानी लताएं, यानी कि उस दिन जो कद्दू की लताएं थीं, दैट ग्रू, यहाँ पे दैट का मतलब होगा जो, ग्रू यानी बढ़ना. तो जो लेखक है वो बता रहे हैं कि दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू, यानी कि उस दिन जो कद्दू की लताएं थीं जो उगी हुई थी या बढ़ी हुई थी, ओवर देम, ओवर देम, देम का उपयोग यहाँ पे उनके लिए किया गया, वो जो घर उन्होंने देखा था रास्ते में
उन घरों के लिए देम का उपयोग किया गया है, तो ओवर देम यानी कि उनके ऊपर से। तो कह रहे कि दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम, यानी कि उस दिन जो कद्दू की लताएं थी जो उन घरों के ऊपर से उगी हुई थी, वर इन ब्लूम, वर यानी थी इन ब्लूम यानी कि कलियों से लदी हुई। तो जो हमारे लेखक है वो कह रहे हैं कि दैट डे यानी उस दिन द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू, कद्दू की लताएं जो उगी हुई थी ओवर देम उनके ऊपर से, वर इन ब्लूम वो कलियों से लदी हुई थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स का मतलब होता है लटकी हुई धारियां। ऑफ येलो, ऑफ यानी का के की, येलो यानी पीला, यानी कि पीले रंग की लटकी हुई धारियां। तो ये उन जो कद्दू है उनकी लताओं की बात हो रही है कि वो पीले रंग की लटकी हुई धारियां बना रही थी ओवर यानी कि पर ड्रैप वॉल्स। ड्रैप का मतलब होता है मठमैला या भद्दा, वॉल्स यानी दीवार। तो बता रहे कि उन घरों के जो मठमैले दीवार थे उन दीवारों पर ये जो कद्दू की लताएं थी वो पीले रंग की धारियां बना रही थी। तो चलिए इस पैराग्राफ को एक बार और पढ़ लेते हैं। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द richest ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया, यानी कि जो रास्ता था जिस रास्ते से लेखक जा रहे थे वो रास्ता भारत के कृषि के सबसे समृद्ध क्षेत्र से गुजर रहा था। दिस वॉज द प्लेन, यह समतल जगह थी ऑफ द अपर गंगा रिवर, गंगा नदी के ऊपरी हिस्से की, यानी कि गंगा नदी के ऊपरी हिस्से की ये सबसे समतल जगह थी। अ थाउजेंड फीट अबव, यानी कि 1000 फीट ऊपर सी लेवल, समुद्री स्तर से, यानी कि वो जो जगह थी वो लगभग समुद्री स्तर से 1000 फीट ऊंची थी। बट ट्रॉपिकल, लेकिन वो जगह उष्णकटिबंधी थी। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, यानी कि जो गंगा नदी थी वो जो रेत है उसके कारण भूरी हो गई थी। स्वॉलन विथ फ्लूड वाटर, और क्या बोलते हैं कि उसे उफल रही थी, या फिर कह रहे थे कि पूरी भर गई थी विथ फ्लूड वाटर, यानी कि बाढ़ के पानी से। इट्स ओवर फ्लो, यानी कि उसका जो बहाव था इन्यूंडेटिंग, वो ढक रहा था थाउजेंड ऑफ एकर्स, हजारों एकड़ों को। ऑफ राइस, यानी कि चावल, यानी कि जो गंगा नदी का बहाव था जो कि बाढ़ के कारण बहुत उफन रहा था वो चावल के हजारों एकड़ जमीनों को ढक दे रहा था। टू द नॉर्थ, यानी कि उत्तर के तरफ वर जंगल्स, यानी कि उत्तर के तरफ जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, यानी कि उन जंगल में बहुत ही अत्यधिक घास थी। हायर देन अ मैन्स हेड, किसी भी व्यक्ति के सिर से भी ऊंचे, यानी कि वो जो घास थे उस जंगल में वो किसी व्यक्ति के सिर से भी ऊंचे थे। एंड और अनब्रोकन, और लगातार थे। एक्सेप्ट यानी कि छोड़कर, फॉर एन ओकेजनल क्लम ऑफ ट्रीज, यानी कि छोटे छोटे जो समूह थे पेड़ों के, उन पेड़ों के समूहों को छोड़कर जो घास थी वो हर जगह थी जो कि किसी व्यक्ति के सिर से भी ऊंची थी। द होम ऑफ टाइगर्स एलिफेंट पाइथन्स एंड कोबरास, और वो जो जंगल थे वो घर था चीता के, चीताओं का और हाथियों का, पाइथन्स का और कोबराज का, यानी कि वो जो जंगल था वो इन सभी तरह के जानवरों का घर था। एवरीवेयर एल्स, यानी कि इसके अलावा हर जगह, देयर वॉज फ्लैट लैंड, वहाँ पे सारी समतल जमीनी थी या फिर सपाट जमीनी थी। रनिंग टू द हॉरिजन, जो कि क्षैतिज में थी, यानी कि इसके अलावा हर जगह उसमें सपाट जमीनी थी जो कि क्षैतिज थी। बट डॉटेड हेयर एंड देयर, लेकिन यहाँ वहाँ बिंदुओं की तरह पड़ी बिखरी हुई थी। बाई द
स्कैरेड बनियान ट्रीज, यानी कि उन सभी क्षैतिज जमीनों पर कहीं कहीं बिंदुओं की तरह बरगद के पेड़ पड़े हुए थे, और या बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, और पाकर के पेड़ की श्रृंखलाएं थीं शेप्ड लाइक एल्म्स, जो कि एक बहुत ही बड़े पेड़ के आकार में थीं, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उनकी जो शाखाएं थीं वो बहुत ही मोटी थी और मुड़ी हुई थी। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग, यानी कि गर्म और नमी भरी हवाएं चल रही थीं। इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिणी पश्चिम के तरफ से, मंकीज सम ऑफ देम, यानी कि वहां पे कुछ बंदर थे, मदर्स विद बेबीज, यानी कि माताएं थीं अपने बच्चों के साथ, क्लिंगिंग टू देम, उनसे चिपकी हुई, एंड और राइडिंग अंडरनीथ, और नीचे की तरफ लटकी हुई, यानी कि बहुत सारे वहां पे बंदर थे जिसमें कुछ माताएं थी जो अपने बच्चों से चिपकी हुई थी और नीचे की तरफ वो लोग लटक कर झूल रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज, और वो पेड़ों से लटक रहे थे, झूल रहे थे एट द स्टेशन, वो पेड़ जो कि स्टेशन पे थे, लुकिंग फॉर फूड, और वो भोजन की तलाश कर रहे थे, यानी कि वहाँ पे जो भी बंदर थे वो अपनी माताओं से चिपक के लटके हुए थे, और वो हर वो जो स्टेशन पे पेड़ हैं उस पेड़ों से झूल रहे थे और खाने की तलाश कर रहे थे। द विलेजेस वी पास्ट, यानी कि जिन गांवों से हम गुजर रहे थे, हैड वॉल्स, वहाँ की जो दीवार थी मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउडंग, वहाँ की जो दीवार थी वो मिट्टी से बनी हुई थी और जिसमें पानी और गाय का गोबर मिला हुआ था। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड, यानी कि उनकी जो नुकीली छतें थी, उन घरों की जो उन्होंने रास्ते में देखे थे, वर थैच्ड, यानी कि छप्पर से ढकी हुई थी। बंडल्स ऑफ ग्रास, यानी कि कई बंडल घास, टाइट टू बैम्बू पोल्स, व बांस की फट्टियों से बंधे हुए थे, स्ट्रेच्ड और फैलाए हुए थे अक्रॉस द राफ्टर, यानी कि उस पूरे लकड़ी पर, यानी कि जो उसकी छत थी वो कहा जा सकते हैं कि वो जो घास होती है सूखी हुई वो उससे बनी हुई थी, यानी कि वो पूरे सूखी घास उस छतों पे उन छतों पर फैलाई हुई थी। That day, उस दिन, the pumpkin vines, जो कद्दू की लताएं थीं, that grew over them, जो उनके ऊपर उगी हुई थीं, were in bloom, उनमें कलियां खिली हुई थी, या कह सकते हैं कि वो कलियों से पूरा भर चुकी थीं। Trailing streaks of yellow, यानी कि वो पीले रंग की लटकी हुई धारियां बना रही थीं। ओवर ड्रैब वॉल्स, यानी कि उन भद्दी दीवारों के ऊपर। तो ये जो लाइन इसमें जो लेखक है वो बता रहे कि जो कद्दू की लताएं थी जो उनकी घरों के ऊपर से उगी हुई थी वो कलियों से भरी हुई थी, जो कलियां पीले पीले रंग की थी और वो एक पीली लटकी हुई धारियां बना रही थी उन भद्दी दीवारों के ऊपर। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें जो लेखक है वो बता रहे हैं कि जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे वो रास्ता भारत के कृषि का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। वो जो रास्ता था वो गंगा नदी के ऊपरी हिस्से का समतल रास्ता था, जो कि 1000 फीट ऊपर था समुद्री स्तर से, लेकिन वो जो जगह था वो उष्णकटिबंधीय था। जो गंगा नदी थी वो उस वक्त भूरी हो गई थी रेत के कारण, क्योंकि उसमें रेत भर चुका था, और वो उफन रही थी बाढ़ के पानी की वजह से, यानी कि बाढ़ का पानी उसमें भर गया था जिसके कारण से वो उफन रही थी, और उनका जो बहाव था वो कई हजारों एकड़ चावल के खेतों को भर रहा था, यानी कि चावल के खेतों को ढक रहा था। उत्तर के तरफ वहाँ पे जंगल थे जिसमें बहुत बड़े बड़े घास थे, वो घास किसी इंसान के सिर के, यानी कि किसी आदमी के सिर से भी ऊपर थे, ऊंचे थे, जो कि लगातार थे, लेकिन केवल वहाँ पे जो कुछ पेड़ों के समूह थे बस उसी जगह पे वो घास नहीं थे, बाकी सभी जगह पर वो घास पूरे फैले हुए थे।
वो जो जंगल था वो चीतों जो चीता थे उनके हाथियों का और पाइथन्स का और नाग का घर था। उसके अलावा हर जगह यानी कि उस जंगल के अलावा हर जगह समतल ज़मीनें थी जो कि क्षैतिज रूप से थी, जो यहाँ वहाँ बनियान यानी कि बरगद के पेड़ों के कारण से कहीं कहीं उनके बिंदु दिख रहे थे कि वहाँ यहाँ पे जो बरगद के पेड़ थे वो उस प्लेन ज़मीन पर यानी कि उस समतल ज़मीन पर छोटे छोटे बिंदुओं के भांति फैले हुए थे, और वहाँ पर बहुत सारी श्रृंखलाएँ थी पाकड़ के पेड़ों की जो कि एक बड़े से पेड़ के भांति उनका आकार था, और उनकी जो शाखाएँ थी वो मुड़ी हुई थी और बहुत ही मोटी थी। उस वक्त गर्म और नमी से भरी हुई हवाएं दक्षिण और पश्चिम की तरफ से चल रही थी। वो जो स्टेशन था वहाँ पर बहुत सारे बंदर थे जिसमें कुछ माताएं अपने बच्चों के साथ चिपकी हुई थी और पेड़ों से इधर उधर लटक कर भोजन की तलाश कर रही थी। जिस गांव से लेखक गुजर रहे थे उस गांव की जो घरों की दीवारें थीं वो मिट्टी पानी और गाय के गोबर से के मिश्रण से बनी हुई थी। उनकी जो छतें थी वो छप्पर से बनी थी जहाँ पे कई बंडल सूखी हुई घास फैलाई गई थी यानी कि वो उन सूखी हुई घास से बनी हुई थी। जो कद्दू की लताएं थीं वो उनके ऊपर से फैली हुई थी जिनमें कलियाँ खिली हुई थी, वो कलियाँ पीले रंग की थी। इस कारण से हम कह सकते हैं कि वो एक धारी जो है पीले रंग की वो बना रही थी जो कि ऐसा लग रहा था कि एक पीली धारी बना रही है या पीली लताएं बना रही है उन जो भद्दी दीवारें हैं उनके ऊपर। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, मैं ज़रूर आपके कॉमेंट्स का रिप्लाई दूंगी। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।